असलम वेलकम टू माई चैनल टूर्ड्स मेडिसन डिस्कस सम ब्लीडिंग कंडीशन एंड सम डिजीजेज़ रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग सो लेट स्टार्ट इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन के डेफिशिय ओके विटामिन के डेफिशियंसी तो अब विटामिन के क्या करता है विटामिन के का रोल होता है फैक्टर सेवन फैक्टर नाइन फैक्टर टेन प्रोथ्रोम्बिन और प्रोटीन सी की सिंथेसिस में ठीक है विटामिन के क्या करता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनके गुलटामिक एसिड रेजिड्यू के ऊपर कार्बोक्सीलेस जो है गुलटैमिक एसिड रेजिड्यू की कार्बोक्सीलेशन जो है करवाता है ठीक है और इस कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन के दौरान विटामिन के बजाते खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के अंदर के चेंज हो जाता है अब जो ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के है ये इनएक्टिव है ठीक है ये दोबारा जो है री यूज़ नहीं हो सकता इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की डिटेल्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमें बस इतना याद रखना है कि विटामिन के जो है वो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये वाले याद रखते हैं ये पूछ ले जाते हैं वाई के अंदर ठीक है तो अब ऑक्सीडाइज विटामिन के जो है इनएक्टिव है ठीक है अब इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म के अंदर इनके विटामिन के अंदर रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स वन ठीक है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स वन ठीक है ये एंजाइम होता है ये इसको दोबारा बैकवर्ड कन्वर्ट करता है अब अगर सिंजाइम की डेफिशिएंसी हो फिर भी एक्टिव फॉर्म में विटामिन के काम हो जाता है अब विटामिन के एब्जॉपन में डिफेक्ट हो फिर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी आती है अब किसी भी तरह से विटामिन के अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनके नहीं बन पाते नॉर्मली ठीक है एक्टिव एक्टिवेबल फॉर्म इनकी नहीं बनती ठीक है इनके बन रहे होते हैं लेकिन इनकी वो ऐसी फॉर्म बन रही होती है जो एक्टिव नहीं हो सकती जो ब्लड कोकुलेशन के तहत अपना रोल प्ले नहीं कर सकती ठीक है तो उसकी वजह से एक्टिव जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी राइज करती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग जो है वो जो उसके पे डिफेक्ट आ जाता है अब विटामिन के जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है अब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो नॉर्मली तो न्यूट्रिशनल uh, डेफिशिएंसी नहीं आ सकती क्योंकि जो इंटस्टाइनल बैक्टीरिया इंटस्टाइनल फ्लोरा है ठीक है बैक्टीरिया का वो विटामिन के जो है वो कॉन्टीन्यूसली सिंथिसाइज कर रहा है वो विटामिन के जो है इंटस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होता है तो न्यूट्रिशन के लिहाज से तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं आ सकती तो इसकी डेफिशिएंसी क्यों आएगी इसकी डेफिशिएंसी आएगी ऑब्जॉर्बन के लिहाज से कि सपोज कि एक पर्सन को इंटेस्टाइनल डिजीज़ है ठीक है पर्सन को इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन से फैट्स जो हैं वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहे अब अगर फ़ैट्स के ऑब्जॉर्बशन जो है वो अब है तो उसकी वजह से विटामिन के भी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि विटामिन के एक फ़ैट ऑलुबल विटामिन है विटामिन के की ऑब्जॉर्पन होती है फैट्स के साथ जब फैट्स जो है ऑब्जॉर्ब नहीं होंगे तो विटामिन के भी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा जिससे विटामिन के डैफिशंसी जो है वो अराइज़ करेगी उसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी अराइज़ करेगी लिवर uh, डिजीज़ के अंदर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है या अगर बाइल डक्ट जो है उसके ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन उस केस में भी हो सकती है क्यों क्योंकि लिवर जो है वो क्रिएट करता है बाइल साल्ट्स ठीक है बाइल साल्स रिलीज करता है बाइल साल्स जो है इंटेस्टाइन के अंदर फ़ैट्स के इमल्सिफ़िकेशन करते हैं फैट्स को सॉलुबलाइज करते हैं सोलुबल बनाते हैं तो जब बाइल साल्स फैट पे एक्ट करके उसकी इमल्सिफ़िकेशन कर देते हैं उसको सोलुबल बना देते हैं तो फिर जो है उनकी ऑब्जॉर्बन होती है तो लिवर डिजीज़ है अगर जिस लिवर डिजीज़ की वजह से बाइल ही नहीं बनेगा तो बाइल नहीं बनेगा तो फैट्स के फैट्स की इमल्सिफ़िकेशन नहीं होगी फैट्स ऑब्जॉब नहीं होंगे बाइल डॉक्ट तो बायल डाट के ऑस्ट्रक्शन है तो बायल तो बांध रहा होगा लेकिन बायल अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा एंटस्टाइन में उसके इसमें भी जो है फैट्स की मल्टीप्लिकेशन फैट नहीं होगी फैट्स उपसा नहीं होंगे विटामिन के उपसाव नहीं होगा तो इन कंडीशन में विटामिन के की डेफिशिएंसी राइज करेगी ऐसे लोग जिनको लिवर डिजीज़ है उनका जब ऑपरेट होना हो तो उसको ऑपरेट से पहले विटामिन के का डोज दिया जाता है ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सफिशेंट अमाउंट में उनके अंदर सिंटिसाइज हो जाएँ और सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना आए ठीक है उसके बाद दूसरी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमें डिस्कस करना है वो आ जाता है हेमोफीलिया ठीक है अब हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं अपसेंट होते हैं अब ज़्यादातर हीमोफीलिया जो है वो पाया जाता है उसको हम नाम लेते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया ठीक है अब वो क्लासिकल हीमोफीलिया जो है वो फैक्टर एट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है फैक्टर एट में भी फैक्टर एट के स्मॉलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से फैक्टर रेट के टू कंपोनेंट्स है स्मॉलर कंपोनेंट है ठीक है और एक लार्जर कंपोनेंट होता है अब स्मॉलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्लासिकल हीमोफीलिया होता है और लार्जर की डेफिशिएंसी से अदर डिजीज होती है जिसको वोन विली ब्रांड वोन विली ब्रांड डिजीज़ कहा जाता है ठीक है तो उस डिजीज़ में क्या होता है कि हेमो क्लासिकमोफीलिया जो है ये जेनेटिकली मतलब मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है लेकिन वो अनवेलीबिलेंट डिजीज़ जो है वो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती है दोनों ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं ठीक है तो ये क्लासिकल हेमोफीलिया उसके अलावा हेमोफीलिया जो है फैक्ट है नाइन की डैफिशंसी की वजह से भी होता है अब जो फैक्टर नाइन की डैफिशंसी की वजह से हेमोफीलिया होता है इसको हेमोफीलिया हेमोफीलिया बी भी कहा जाता है ठीक है हेमोफीलिया बी कहते हैं इसको और जो क्लासिकल हेमोफीलिया इसको हेमोफीलिया ए भी कहा जाता है यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि हेमोफीलिया ब्लीडिंग टेंडेंसी है फैक्टर एट और फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी से हो सकती है फैक्टर एट की डेफिशिएंसी की वजह से जो होती है उसको क्लासिकल हमोफीलिया या ए कहते हैं फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी जो होती है उसको हेमोफीलिया बी कहते हैं अब फैक्टर एट के टू कंपोनेंट्स होते हैं स्मॉल एक लार्ज तो क्लासिकल हेमोफीलिया स्मॉल कंपोनेंट की डेफिशिएंसी होता है लार्ज की डेफिशिएंसी से बोन बिली डिजीज़ होती है और वॉन्ट बिली ब्रेन डिजीज मेल फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती है जबकि क्लासिकल हेमोफीलिया जो है वो मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्यों हेमोफीलिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक्स क्रोमोसोम पे इसका जो है डिफेक्टिव जेन होता है अब मेल के अंदर क्रोमोसोम का सेट होता है एक्स और वाई तो अब इसमें से अगर हेमोफीलिया का मैं सपोज कर लूँ कि ये एक्स के साथ कैपिटल एच जो है ये नॉर्मल जेन के लिए और स्मॉल एच हेमोफीलिक जेन के लिए तो मेल के पास एक जीन आ जाए एक क्रोमोसोम आ जाए स्माल एच वाला तो वो ही हो जाता है लेकिन फीमेल के पास फीमेल को अफेक्ट होने के लिए दोनों ही जीन्स होने चाहिए अगर फीमेल के पास एक कैपिटल एच आ जाए तो वो हिमोफिलिक नहीं होगी तो इस तरह हिमोफली जो है मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि मेल के पास एक जीन है एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव क्रोमोसोम आने से वो हीमोफिलिक हो जाता है लेकिन फीमेल के पास दोनों डिफेक्टिव आएंगे तो वो हीमोफिलिक होगी अदरवाइज अगर एक भी है उसके पास नॉर्मल तो वो हीमोफिलिक नहीं होगी बल्कि कैरियर होगी यानी कि नेक्स्ट अपने चिल्ड्रन के अंदर ये यह हेमोफिलिकमोफिलिया पास करेगी लेकिन खुद जो है ये हीमोफिलिक नहीं होगी खुद जो है ये नॉर्मल नॉर्मल ही होगी अगर नेक्स्ट ब्लीडिंग टेंडेंसी पर आ जाएँ तो नेक्स्ट ब्लीडिंग टेंडेंसी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ठीक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल से कम होता है अब कहा यह ज़्यादातर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो वो एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है यानी कि ऐसा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसकी कोई कॉज पता नहीं होती एडियोपैथिक कहते हैं ऐसी डिजीज़ को जिसका कोई कॉज पता ना हो ठीक तो है तो इसे एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस वजह से हो सकता है कहते हैं कि किसी अननोन रीजन की वजह से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो थ्रोम्बो के केस में क्या होता है क्योंकि प्लेटलेट्स कम है प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो कम है नॉर्मल से ठीक है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जिनको प्लेटलेट प्लग नॉर्मली क्लोज कर रहा होता है वो तो क्लोज नहीं हो पाता तो छोटी कैपलरी से ब्लड वेसल से ब्लड जो है नॉर्मल बाय बाइट की तरफ लीक आउट कर रहा होता है यानी कि ब्लड वेसल थी तो यहाँ पर छोटे छोटे होल से ब्लड जो है लीक आउट कर रहा होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर पर्पलिश कलर आ जाता है क्योंकि वो ब्लड बाय निकल के रैपिडली डीऑक्सीजनेट हो जाता है और हेमोग्लोबन का पर्पल कलर जो है वो नज़र आने लग जाता है तो इस वजह से थोम्बोसाइटिनियो को थोम्बोसाइटोपिनिया परपलाइस को कहते हैं ठीक है तो अब स्किन जो ब्लीडिंग है टेंडेंसी इसको अलाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पर माइक्रोलीटर से उनका काउंट कम हो जाए नॉर्मल जो है वन फिफ्टी के से थ्री हंड्रेड के यानी कि डेढ़ लाख से तीन लाख पर माइक्रोलीटर काउंट होता है तो अगर फिफ्टी के तक आ रहा तो फिर जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी राइज़ करती है थ्रोम्बोसाइट ओपिनिया के केस में अपने प्लेटलट की कमी के केस में तो इसकी मैनेजमेंट क्या है थ्रोमोसाइट की इसकी मैनेजमेंट ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एन दी जाए जिसके अंदर नॉर्मल प्लेटलेट्स भी हैं मौजूद तो हों ठीक है काफ़ी अमाउंट में प्लेटलेट्स मौजूद हों और दूसरी इसकी मैनेजमेंट होती है कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि स्प्लीन जो है ओल्ड प्लेटलेट्स को रिमूव करती है जब सुप्रम कोर्ट मूव कर देंगे तो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा बेटर हो जाएगा हीमोफीलिया की के मैनेजमेंट क्या आती है हीमोफीलिया के मैनेजमेंट है कि फैक्ट्री रेट की डेफिशिएंसी है तो फैक्ट्री रेट जो है इसको दे दिया जाए लेकिन फैक्ट्री रेट बहुत महंगा होता है ठीक है तो ये जो है कॉस्टली एक ट्रीटमेंट है और विटामिन के डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट भी ये था कि विटामिन के का डोज दे दिया जाए पर्सन को अब बुक से देख ले ब्लीडिंग टेंडेंसी को तो यहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी दी हुई है तो इसमें मेनली आपने क्या करना है फैक्टर याद करने हैं जो इसकी डेफिशिएंसी से अफेक्ट होंगे डेफिशियसी के और इसका रिएक्शन के बारे में भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको जनरली बात इतना ही पढ़ लेना इसकी कम्पलेसिटी में मैकेनिज्म में जाने की हमें कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है ठीक है उसके बाद विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है किस वजह से हो सकती है यहाँ पे उसके रीज़न जो है वो याद करनी और मैनेजमेंट इनके तकरीबन सारे उसको रीड करना है हमोफिलिया में आ जाए तो हेमोफिलिया में हेमोफिलिया में कौन सा फैक्टर जो है डैमेज हो रहा है ठीक है और उस फैक्टर का क्लॉटिंग में क्या रोल है फैक्टर रेट जो है ये इंट्रेजिक पाथवे में रोल प्ले कर रहा था यहाँ पे आपने पढ़ा था ये यहाँ पे फैक्टर रेट है ठीक है फैक्ट्री रेट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है तो इसको फैक्टर रेट को यहाँ से इसका देख लें फैक्टर रेट जो इसमें डेफिशिएंट है उसके बाद है मफिया बी में फैक्टर नाइन डेफिशिएंट है ठीक है उसके बाद इसके मैनेजमेंट क्या है कि इसके अंदर फैक्टर एट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है प्योर फैक्टर रेट उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को यहाँ से पढ़ फाइलना सारा कंप्लीट यहाँ से पढ़ना है इसमें वही बातें हैं कि प्लेटलेट कौन कम होगा तो उसके बाद जो है ब्लड बाय लीक आउट करेगा थ्रोबोसाइटोनिया पर होगा क्योंकि पर्पलिश कलर हो जाता है स्किन के वजह से ये नाम दिया गया और उसके बाद ये मोस्टली एडियोपैथिक होता है अननोन रीजन की वजह से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इसका मैनेजमेंट कहकर स्प्लिन को निकाल दिया जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाए आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन को तो थ्रोम्बोस और एम्बोलस का डिफरेंस जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट बन जाए इसको थ्रोम्बस कहते हैं और अगर क्लॉट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से ब्रेक होकर बाकी ब्लड वेसल के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम नाम लेते हैं एम्बोलस का ठीक है तो ये डेफिनेशन यहाँ पर इसका डिफरेंस दिया हुआ है उसके बाद जो है बताया गया कि लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से क्लाट अगर उस साइड पे बने तो वो आगे आर्टरीज के जरिए जा सकता है डैमेज कर सकता है ब्रेन को उसके अलावा किडनीज़ को उसके बाढ़ के किसी भी हिस्से में जाके वो तो ब्लड फ्लो को स्टॉप कर सकता है और अगर वेंस के अंदर जो है क्लाट बना हुआ है तो वेंस के जरिए वो जाएगा राइट साइडेड हार्ट पे राइट साइडेड हार्ट से वो जाएगा लंग्स के अंदर मोन वसल्स को ब्लॉक कर देगा अब ब्लड क्वार्ट क्यों बन रहे इसकी रीज़न क्या है जो जो सरफेस एंडोथोलियल सर्फेस है अगर किसी डिजीज़ की वजह से अथेरोलोरोसिजी हो जाएगी उस क्लोरोसिस की वजह से इन्फेक्शन की वजह से रफ हो गया उस वजह से ये थ्रोबोइम्बॉली कंडीशन राइज करेगी या जो है ब्लड किसी पार्ट ऑफ बॉडी से वेरी स्लोली मूव कर रहा है स्लोली क्यों मूव कर रहा है स्पोर को स्पोर्ट्स की कोई ब्लड वेसल या वेन जो है वो कंप्रेस हो चुकी है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है और उस वजह से भी उस एरिया में ब्लड क्लॉट जो है बन सकते हैं अब इसकी मैनेजमेंट किया कि उस पर्सन को टिश्यू प्लाजमिनोजिन एक्टिवेटर दिया जाता है अब ये क्या करता है ये जाके प्लाजमिनोजिन से प्लाजमिन बनाता है प्लाजमिन क्या करता है वो वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करता है वो डाइजेस्ट कर देता है और क्लॉट को ख़त्म कर देता है अब यहाँ पे फीमोरल वेनस थ्रोम्बोसिस का बताया गया अब इसके इससे क्या है ये देखते हैं यहाँ पे कि सपोज़ के एक पर्सन है ठीक है उसकी यहाँ पे यूँ फीमोरल वेन है लेग के अंदर ये उसकी सपोज के लेग है लेग के अंदर फीमोरल वेन है ठीक है अब फीमोरल वेन के कंप्रेस हो जाती है इसके कंप्रेसिंग के यहाँ पे रीज़न उन्होंने ये बताई हुई है कि एक पर्सन जो है पिल्लोज प्रॉपिंग देनीस विध पिलोज के दाम यूज़ की गई है इनके कुछ लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के पिलोज होते हैं तक होते हैं ठीक है वो गुट्टों के दरमियान रखते हैं सोने के दौरान तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेंस की कंप्रेशन हो जाती है या बेड पे जो पेशेंट पड़े हुए हैं ठीक है अं, मतलब पैरालाइज पेशेंट है तो उनके अंदर मसल मस्कुल, को मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है तो वेंस के कंप्रेशन नहीं होती वेंस के अंदर ब्लड क्लोज जो है स्लो हो जाता है तो वेन के अंदर एक क्लॉट जो है यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे ब्लड क्लॉट सपोज की एक ब्लड क्लाट यहाँ पे बन जाता है ठीक है अब क्या होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ब्लड फ्लो जो है ऑलरेडी स्लो था ब्लड क्लाट बन गए तो मजदीद ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो क्लाट जो है ये यू इंक्रीज़ करता है इन साइज़ क्लाट जो है इंक्रीज होने लग जाता है अब क्लाट जो है यहाँ से ये यह टूट भी सकते हैं अपनी अटैचमेंट ब्रेक करके आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है ठीक है अब फिर वेन आगे जाके एक्सटर्नली लिकवेन बन जाती है एक्सटर्नली लिक्वेन के साथ इंटरनली लिक्वेन आके जुड़ती है ठीक है और ये एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इिकमेंट के बनाते हैं uh, मिलकर बनाते हैं कॉमन इलिकमेंट्स अब राइट और लेफ्ट साइड की कॉमन इलिकमेंट जो है वो मिलती हैं ठीक है और वो मिलकर बना लेती हैं इन्फीरियर वैना कैबा ठीक है जिनके सपोज की एक लेफ़्ट लेग थी ठीक है यहाँ से इसी तरह राइट लेग से जो है कॉमन इलिकमेंट आ रही होगी ठीक है तो इस तरह तो जो है इन्फीरियर इन्फीरियड वैनकवा तक ये जो है इसका थ्रोम्बस या एम्बोलस जो है यहाँ से मूव करता करता इन्फीरियर इन्फीरियड वैनकवा तक पहुँच जाता है इन्फीरियर वैनकवा से आगे हार्ट तक पहुंच जाता है ठीक है आगे इन्फीरियर वैनका वैन हार्ट के अंदर जो है वो ड्रेन होना होता है अब ये इन्फीरियर इन्फीरियड वैनकवास यूँ हार्ट तक पहुंच के अब हार्ट से पलमोनरी ट्रंक राइज करेगा राइट साइड ऑफ हार्ट से ठीक है पलमोनरी ट्रंक ब्लड को लेकर जाएगा लंग्स तक तो ये जो है इसके अंदर एम्बोलस जो था ये होता होता इनके कि यहाँ से इन्फीरियर वैनकप से राइट साइड ऑफ हार्ट पे पहुंचा राइट हाइड्रियम में राइट हाइट्रियम से राइट वेंटिकल में राइट वेंटिकल से पलमोनी ट्रंक और वहाँ से लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर जाके पलमोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा ठीक है अगर दोनों आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं तो फ़ौरन डेथ हो जाएगी अगर एक आर्टरी ब्लॉक हुई है तो पर्सन डेथ से सर्वाइव कर जाएगा लेकिन अगर कंडीशन जो है वो बेटर नहीं होती है कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो उस केस में भी उसकी डेथ हो जाती है कुछ देर के बाद ठीक है तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है सारी इस पैराग्राफ के अंदर से सेम टू सेम यही बातें लिखी हुई है ठीक है इसको पढ़ लेना उसके बाद डिसिमिनेट्री इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन इसका क्या मुताद है इसका इससे ये मतलब है इस, मतलब कि अगर पर्सन को वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर ठीक है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है फैल गया तो वो बॉडी के बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ को बैक्टीरिया वगैरह या जो एजन है पैथोजन वो जो है डैमेज करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ टिशू फैक्टर जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ हुआ होगा ठीक है अब ये लार्ज अमाउंट में टिशू फैक्टर जो रिलीज़ हुआ होगा तो ये बहुत ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा ठीक है तो क्लॉट फॉर्मेशन बनेंगे बॉडी के अंदर छोटे छोटे कई ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से बॉडी टिश्यू जो है वो शॉक की स्टेट में चले जाएंगे और इस शॉक को हम नाम देते हैं सेप्टिक शॉक का ठीक है तो इसके में क्या होता है कि एक तो बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बांध रहे हैं जगह जगह बहुत ज़्यादा क्लॉट बांध रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा क्लॉट बनने की वजह से बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं तो उनके यूज़ हो जाने की वजह से नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बचे थे ठीक है तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग टेंडेंसी भी होती इनके है इनके कट लग जाए तो उस जगह पर क्लॉट नॉर्मली नहीं बनता क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो बॉडी के अंदर वसल्स के अंदर क्लॉट बनने में यूज़ अप हो चुके होते हैं तो बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है बहुत ज़्यादा लेकिन जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर क्लॉट नहीं बंद होता है वहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी जो होती है ठीक है तो ये थे वेरियस थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन अब हमारे टेस्ट रह गए ठीक है ब्लीडिंग टाइम का और उसके बाद प्रोथ्रोबिन टाइम और इंटरनेशनल नार्मलाइड रेशो ठीक है इनको एक शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट हम देखते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू